नमस्कार, मैं बहन वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मेथपन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो SSC CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस की जो डेट है वो भी आ गई है। 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि आज जैसे कि 22 तारीख है तो अभी से मतलब जाना कि आज ही आपको जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना। अभी आप एक दो दिन का वेट करिए, उसके बाद जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ कि किस तरीके से अपना प्रेफरेंस देना है, उसके बाद ही फाइनली आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, जो ऑफलाइन फॉर्म है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको मिलेगा। उसके अलावा टोटल इस बार कितने पोस्ट कोड हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, उसका सही तरीका क्या होगा। ठीक है, और सबसे पहली बात यह है कि उन सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, वो प्लीज़ यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करें। अगर आपका सिलेक्शन CHSL 2022 में भी हुआ है और आप ऑलरेडी CGL 2022 में सेलेक्ट हो चुके हैं या CHSL की पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप स्किप करें, क्योंकि आपको ही पता है कि वैकेंसी 1280 अभी डिक्रीज़ कर दी गई आपकी, तो वैसी वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा सीट ख़राब होंगी, तो उन बच्चों को मौका देना चाहिए क्योंकि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम रह गई है। तो अगर आप सेलेक्टेड हैं तो प्लीज़ सीट आप बास्ट मत करिए, आप पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दीजिए। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं सीट जो है वो ख़राब होने से बच जाएगी। तो सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है, उसके अलावा जो CHSL वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए। इस ये जो ऑप्शन फॉर्म है आपका, इसको मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इस ऑप्शन फॉर्म को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे तरीके से देखो, टोटल कितनी पोस्ट हैं, प्रेफरेंस किस तरीके से देना, पहले रफली जो आइडिया है वो इस पर ले लो आप। पूरा जो पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, किस पोस्ट को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, तो पहले आप इस पर फ्रेमवर्क कर लो अपना, फिर उसके बाद ऑनलाइन आप सबमिट करो। क्योंकि ऑनलाइन एक बार जैसे क्या है कि आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही सबमिशन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कितने पोस्ट कोड हैं। जैसे कि यहाँ पे L01 है, तो L01 किस पोस्ट का कोड है ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा L02, L03, तो टोटल इस तरीके से मिलाकर टोटल जो आपके पोस्ट कोड हैं वो आपके कितने हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे LDC के L49 तक है, उसके अलावा DEO के हैं। तो जिन बच्चों का मैक्सिमम स्कोर है वो DEO के लिए भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप सभी का देना चाहो तो दे सकते हो। अब देखो इसको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से आपको देना है, ये आपका ऑफलाइन है और इसी तरीके से आपको ऑनलाइन जब आप सबमिशन करोगे तो इसी तरीके का कुछ आपको प्रोफार्मा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि पहले आप पोस्ट कोड देखो, फिर अपना प्रेफरेंस देखो कि आपको पहले नंबर पर किस पोस्ट को रखना है, दूसरे नंबर पर किस पोस्ट को रखना है, तीसरे नंबर पर किसको रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं L04 को आपको पहले रखना है, फिर L9 को रखना है, फिर L12 को रखना है, तो इस तरीके से अपना प्रेफरेंस जो है वो आप भर लो। ठीक है, शुरुआत के 10 प्रेफरेंस आप ठीक ठाक तरीके से दो, फिर बाकी सभी प्रेफरेंस में डाल दो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस पे आप अच्छे तरीके से एक बार फ्रेमवर्क कर लो, अपना प्रेफरेंस आप भर लो, उसके बाद आप ऑनलाइन अपना सबमिट करने के लिए बैठो और आराम से उसे भरो। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो किस तरीके से प्रेफरेंस भरना है, कौन कौन सी बेस्ट पोस्ट हैं, उनके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाऊँगा, उसका आप इंतज़ार करिए और उसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना है। ठीक है, तो ये इतनी टोटल मतलब LDC की L49 तक आपका कोड है और उसके अलावा ये DEO का कोड है, केवल इसी की पोस्ट है। और आपको पता है कि 1280 वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हो गई है, तो जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इसके पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप करिए ताकि जो जेन्युइन बच्चा है उसका सिलेक्शन हो सके। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट जो CHSL वाले एस्पिरेंट हैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए और ज़्यादातर टीचर तक आप लोग जो है संपर्क भी करिए ताकि इसमें वो पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को स्किप कर सकें जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप समझ पाए होंगे कि यहाँ इसे जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सारा जितनी भी पोस्ट हैं उनको देख लीजिए कि पोस्ट कोड किस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, एक बार जो रफली ये जो पोस्ट मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है इस पर रफली आपको वर्क करना है,
देखो किस तरीके से आपको कौन सा प्रेफरेंस पहले रखना है और उसके बाद ही ऑनलाइन सबमिट करना। बाकी किस तरीके से प्रेफरेंस दोगे, बेस्ट प्रेफरेंस आपका क्या होगा, उसके रिगार्डिंग ढेर सारी वीडियो बहुत जल्द आने वाली हैं इस चैनल पे। तो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद ही प्रेफरेंस आप भरना। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।